अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जा रहे हैं पिपला शरीफ जुमा पढ़ने। वहाँ पे बाबा जी मदर कयूम साहब का दरबार भी है, वो भी घूमेंगे। आए देखते हैं, चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। जी नाजरीन, हम ये पहुँच आए हैं पिपला शरीफ, दरबार है इधर बाबा जी मदर कयूम साहब का। आए आपको अंदर लेके चलते हैं और आपने देख के ज़रूर बताना है कि कैसा लगे आपको ये। जी नाजरीन, तो ये वीर बाबा साहब मदर कयूम साहब के साथ आते हैं जो जुमे का खुतबा दे रहे हैं अभी। जुमा पढ़ने के बाद ये साहबजादा साहब से मुलाकात हुई है। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत नेक इंसान है और हमेशा दुआओं में याद रखते हैं। हमारे पीर भाई भी हैं। जी तो ये हम लंगर खाने में पहुँचाए हैं। जुमे के नमाज के बाद फौरन यहाँ पे लंगर शुरू किया जाता है और जो भी लोग दूर दूर से आए हुए होते हैं या उधर के रिहायशी जो गरीब लोग होते हैं उनको लंगर तकसीम किया जाता है। बहुत अच्छा लंगर होता है, बहुत टेस्टी होता है और बहुत नमकीन लंगर होता है। आप भी ट्राई करें। ये जी यहाँ का मशहूर लंगर है और इससे खाने से ज़्यादा पीने में मज़ा आता है। ये हम मस्जिद के एरिए से बाहर आ गए हैं। ये साथ में दरबार नज़र आ रहा है और ये मस्जिद का सेहन है। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये अभी इसका कलर वगैरह नहीं हुआ, सिर्फ पेंट वगैरह करना है। ये बाहर लॉन बना हुआ है। ये है दरबार का मुकम्मल नक्शा, अभी ये बन रहा है, पूरे तरीके से बना नहीं है। ये जी हमने अंदर हाजिरी दी है दरबार शरीफ पे, गए थे, सलाम किया है। जी नाजरीन, तो हम अभी वापस जाने लगे हैं। आप भी कोशिश करना कि इस जगह का विज़िट ज़रूर करें। अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठना उठना बैठना इंसान को होना चाहिए और इनसे दुआएं भी लेनी चाहिए। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर पे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जी तो ये हम टर्न ऑफ करने लगे हैं, बाहर निकलने लगे हैं पिपला से। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।